मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में किया बड़ा बदलाव। तो स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न के विषय में, जो कि बदल दिए गए हैं कमलनाथ सरकार द्वारा। क्या है पर जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस तरह का अपडेट न्यूज मध्य प्रदेश की सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, आज बढ़ते अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दोस्तों, मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। अब पास होना पहले से ज्यादा आसान। दोस्तों, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल ने पहले साल हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में आए निराशाजनक परिणामों के बाद परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया है। सीबीएसई की तरह एक नियुक्ति लगाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र पास हो सके और टैलेंटेड स्टूडेंट अच्छे परसेंटेज बना सके। दोस्तों, आपको बता दें एमपी एजुकेशन पोर्टल का नया परीक्षा पैटर्न। बोर्ड परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अंकों की नई व्यवस्था लागू की है। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लिखित पेपर अब 100 की बजाय 80 नंबर के होंगे और पास होने के लिए 33 की बजाय 27 अंक लाने होंगे। वहीं हर विषय में 20 अंकों की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। प्राचार्यों को नए पैटर्न के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। दोस्तों, हालांकि यह बदलाव 2019 की बोर्ड परीक्षाओं से ही लागू किया गया था, लेकिन इसका सही से प्रचार प्रसार ना हो सका था, इस कारण छात्र इस नए पैटर्न का लाभ नहीं ले पाए थे। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने गंभीरता दिखाते हुए और प्राचार्यों को नई योजना से संबंधित में परीक्षण दिया गया है। पहले छात्र मध्य प्रदेश में 10वीं क्लास में सिर्फ विज्ञान विषय में प्रैक्टिकल होता था, लेकिन अब हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान के लिए भी प्रैक्टिकल होंगे। वही 12वीं में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और होम साइंस के सभी विषयों में भी यह पैटर्न लागू किया गया है। 12वीं में भी छात्रों को हर विषय में 80 अंक का लिखित पेपर देना होगा, जबकि 20 अंकों के प्रैक्टिकल परीक्षा के अनुसार दिए जाएंगे।